आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि आपके सपने में आपके पितर पितर या फिर पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे में कुछ लोगों को बार बार उनके पूर्वज दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको भी कुछ इसी तरह के सपने दिखाई दे रहे हैं तो एक बड़े संकेत आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपसे कुछ वह कहना चाहते हैं और सपनों के माध्यम से पितरों से या पूर्वजों से जुड़े। और इसकी 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसका समापन अश्विन महीने की अमावस्या तक होता है। इस साल पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पितृधरलोक से धरती पर विचरण करते हैं। वो कई माध्यमों से हमें अच्छे और बुरे संकेत भी देते हैं। इन्हीं में से एक संकेत है कि पितरों का हमारे सपने में आना। वैसे तो सपने में पितरों का आना एक आम सपना हो सकता है, लेकिन पितृपक्ष में अगर आपको मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं तो इससे कई बड़े संकेत आपको मिलते हैं। लिहाजा पितृपक्ष में अगर आपके पूर्वज सपने में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पितृलोक से धरती पर आए हैं। उनका तर्पण श्राद्ध बेहद जरूरी है। वे अपने पुत्र से जल दान और पिंड दान के लिए आए हैं। जब भी आपको लगे कि सपने में पूर्वज आए हैं तो इसका मतलब है कि वे आपसे कुछ मांगने आए हैं। इन दिनों तर्पण करें। पितृपक्ष में के दिन में गौ कुत्ते को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएँ, जिससे पितृ प्रसन्न होकर स्वर्ग लोग वापस चले जाएंगे और दोबारा सपने में नहीं आएंगे। और पितरों को देखना कितना शुभ संकेत है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि भविष्य में आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है। यह शुभ या अशुभ दोनों ही हो सकती है। कुछ ऐसे सपनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कभी कभी पितर सपने में आकर अपने परिजनों से कुछ चीज़ें भी मांगते हैं। इसका अर्थ होता है कि उन्हें यह वस्तुएँ अपने श्राद्ध पक्ष में चाहिए होती हैं। ऐसे में आप श्राद्ध में से वस्तु देते हैं तो पितर उन्हें ग्रहण करते हैं। फिर पितर अपना आशीर्वाद अपने परिजनों को देते हैं। यदि आपके पितर आपको सपने में मुस्कुराते या हंसते हुए नजर आए तो यह एक शुभ सपना होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने का अर्थ है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न और संतुष्ट हैं। जल्दी वे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कैरियर में सफलता आपको हासिल हो सकती है। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यदि आपको सपने में आपके घर के आंगन या दरवाजे या बाहर पितर खड़े हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपके घर पर जल्दी खुशियां दस्तक देने वाली हैं और आपका अटका हुआ पैसा भी आपको मिलने वाला है। यदि आप अपने सपने में यह देखते हैं कि आपके पूर्वज आपको कुछ खिला रहे हैं, खासकर मिठाई खिलाते नजर आएँ या हाथ में मिठाई लेकर खड़े हैं, तो इसका यह अर्थ हो सकता है कि आपको अपने सभी कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपकी जो प्लानिंग आप कर रहे हैं उसी पर आप सपने इसी को आप अपने सपने में देख लें तो भविष्य में बिजनेस में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आप पितृपक्ष के दौरान अपने सपने में अपने ही मृत दादा या पिताजी को देखते हैं, वह भी हंसते हुए, तो इसका अर्थ होता है कि आपको कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। घर की माली हालत में सुधार हो सकता है। आपके मित्र पिताजी या दादाजी या दादी सभी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा और आप जीवन में तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, यह था मतलब सपने में पितरों का देखना। आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।